देविन का नंबर ले लेती हूँ इसमें से। देविन डी ई वी। कहने मेरे पास है तुम्हें देने, मेरे घर के बैकयार्ड में आ जाओ। कितने बजे? ठीक 10 बजे। क्या बात है, मेरी डार्लिंग मेरी अंधेरी सी जिंदगी में फिर से सोने की चमक भरना चाहती है। और वैसे भी घर आती लक्ष्मी को मैं मना तो करता ही नहीं हूं, आने दो। बेबी जरूर आऊंगा, ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। आई लव यू बेबी। I love you, baby. आज तो तुम दोनों की लव स्टोरी ना मैं सबके सामने दिखा कर ही रहूंगी, वो भी लाइव टेलीकास्ट। डिलीट कर, कहाँ से डिलीट? और डिलीट आज रात को सबके सामने तेरा असली चेहरा आकर ही रहेगा, सबको पता चल जाएगी तेरी सच्चाई। एक और मैसेज कर देती हूँ ताकि श्योरिटी हो जाए ना कि आ ही रहा है। देखो भूल मत जाना, आई जाना, तुम्हारी प्यारी श्वेता, श्वेता रानी। तुम्हारी श्वेता? ये नई वाली चुड़ैल श्वेता एकदम से मेरी पुरानी वाली डार्लिंग बीबी कैसे बन गई? कैसे? कुछ तो गड़बड़ है देविन, इतने रोमांटिक मैसेज। बेबी सब ठीक है ना? तुम मुझसे कैसे रोमांटिक होने लगी? हाँ कहीं मुझे घर बुलाकर जहर तो नहीं देने वाली? ओ गॉड, मतलब इन दोनों का चक्कर नहीं चल रहा। चलो अच्छी बात है, पर ये मैसेज देख के अगर देविन को शक हो गया तो? दूसरे टोन में बात करती हूँ। अरे गहने लेने हैं तो लो वरना फाड़ने जाओ। आज के बाद मुझे बिल्कुल मैसेज मत करना, तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूं मैं। नहीं 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 नहीं, प्यार और रोमांस जो मिलने वाला है ना वो नहीं छोड़ सकता मैं। कम ऑन देविन। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। ठीक है मैं आता हूं अपनी पुरानी वाली श्वेता से मिलने। श्वेता आती होगी, डिलीट कर देती हूँ।
क्या हुआ रशिता? आपने तो मुझे डरा ही दिया, सब ठीक तो है ना? यहाँ आकर तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है ना, तो तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे ना तुम्हें आदत हो जाएगी। मुझे भी तो हो गई ना। ओ गॉड, तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल ही गई, धरा भाभी ने दूध लाने बोला था, मैं लेके जाती हूँ। जैसन, शिवा तुझे कितनी बार बोला है कि बोरे मत उठाया कर, तुझे जब बोरे उठाने का काम होना तो किसी मजदूर को बुला लिया कर। अच्छा, और तुझे क्यों लगता है कि मुझे किसी मजदूर की जरूरत है? दुकान में आके खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोरे उठाना अच्छा लगता है, मेहनत लगती है, पसीना आता है, और जब जब पसीना आता है ना देव, तब तब याद आता है कि कहां से कहां पहुंचे हम लोग। उठाऊंगा मैं बोरे। क्या बात है भाई, मुझे नहीं पता था बोरे उठाने के पीछे तेरा इतना बड़ा मोटिवेशन है। सही है, टिकट कर देती हूँ। गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, एक भी मैसेज छूटा तो नहीं ना? हे भगवान, अगर एक भी मैसेज छूट गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रिशिता ऐसा कैसे कर सकती है तू, इतनी बड़ी गलती। मेरा फोन यहाँ किचन में और रिशिता भी यहीं थी, कहीं इसने मेरा फोन चेक तो नहीं किया?